मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। लेकिन एक बीमारी में मैंने इसका बहुत उपयोग किया है और इतने बढ़िया परिणाम है, आप सबको बताना। ऐसे कोई भी भाई पुरुष जिनके वीर में शुक्राणु नहीं बनते, उनकी सबसे अच्छी दवा है ये लौंग। उनको लौंग का पानी कहो, रोज पिए, और एक लौंग का तेल भी आता है बाजार में, तो एक बूंद लौंग का तेल एक चम्मच गर्म पानी में डाल के रोज पिए, तो इतने शुक्राणु बनते हैं वीर में, हमें कई बार चमत्कार लगता है मुझे। ऐसे कई पुरुष जिनके 10-10 साल से शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे, ये एक कारण से, उनको मैंने 3 महीने लौंग का तेल दिया एक एक बूंद, और भी सब बाप बन गए। हाँ, मतलब ये है, नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है ये लौंग, बहुत बढ़िया है ये लौंग। कफ में, खांसी में कई जगह काम आती है, बुखार में भी काम आती है। और एक दो दवाएं ऐसी बताता हूँ, जैसे ये लौंग है ना, ऐसी एक और दवा है अपने घर में, वो भी नपुंसकता को ठीक करते, चूना। ये पान में जो हम चूना खाते हैं ना, ये चूना गेहूं के दाने के बराबर दही में मिला के किसी को भी खिलाओ, वीर में शुक्राणु बहुत बनते हैं। और गन्ने के रस में खिलाओगे तो और अच्छा परिणाम है इसका। चूना गेहूं के दाने के बराबर, गन्ने का रस आधा गिलास, बहुत अच्छी दवा है। माताएं भी इसको ले सकती, जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम है, ओवम का प्रॉब्लम है, उनको चूना खिलाओ। आज आप जो खाना खाएंगे ना, आज का खाना 5 दिन तक डाइजेस्ट होता है, अभी खाया तो 5 दिन तक। और इस पूरी क्रिया में हमें जो सबसे महत्व की बात जाननी है वो ये कि सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से बनता है मांस, और सबसे कम और सबसे देर में बनता है वीर। मांस सबसे ज्यादा, वीर सबसे कम। आपको सुन के ताज्जुब होगा, बागभट्ट जी ने एक जगह लिखा और आज की आधुनिक विज्ञान ने उसको सिद्ध किया, वो ये है कि आज तारीख 19 जुलाई को आप जो खाना खाएंगे, इसका वीर बनने के लिए 1 महीना खर्च होगा। अगले महीने 20 अगस्त को बनेगा, आज जो खाया, 30 दिन लगते हैं। और सबसे कम बनता है, सबसे ज्यादा समय लगता है, सबसे कम बनता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, वीर बहुत कीमती है, इसलिए उसको नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करने की कल्पना इस देश में है।